अलैकुम दोस्तों आज हम सी आर पी सी के चैप्टर नंबर अठारह इसको डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन शुरू करते हैं सेक्शन 225 से, से। सेक्शन 225 डील दिल कर डील्स करता है ट्रायल टू तो बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन

हम केस uh, ओपन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं उसको प्रोसिक्यूशन so, करवाने के लिए यही तो है ना वेन द एक्यूज और इज ब्रॉड बिफोर द कोर्ट इन पार्सन्स ऑफ ए कॉमिटमेंट मतलब जब एक्यूज okay. पार्सन को अपियर किया जाएगा और इज ब्रॉड बिफोर द कोर्ट मतलब कोर्ट के सामने लाया जाएगा इन पार्सन्स ऑफ ए कॉमिटमेंट ऑफ द केस मतलब केस के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली प्रेजेंट किया जाएगा अंडर सेक्शन टू जीरो नाइन टू जीरो नाइन द प्रोसिक्यूटर शेल ओपन हिज केस तब जाके प्रोसिक्यूटर ने ओपन करेगा वो केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉड अगेंस्ट द एक्यूज्ड जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्ज लगा है वो उसके तहत एंड स्टेटिंग बाय वट इविडेंस ही प्रोपोज टू प्रूव द ग्यूज और क्या क्या इविडेंस है जो की एक साबित करवा सकता है कि वो सेक्शन टू ट्वेंटी सेवन आता है जो की डिस्चार्ज है उसके अगेंस्ट में कोई सबोध नहीं मिला और ये प्रूव नहीं होता कि वो कुछ ऑफेंस क्या है तो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा जनरली हम ये सोचते हैं डिस्चार्ज इफ अपन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड मतलब uh, यदि कोई जजमेंट uh, दिया है ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस और केस के ऊपर हाँ एंड मतलब जो केस है उसके रिकॉर्ड देखकर मतलब उसमें है क्या एक्चुअली हम्म उसको समझकर पहले क्या क्या रिकॉर्ड है उसमें और आ, क्या क्या एविडेंस है वो सब मतलब देखकर वो जजमेंट दिया है कन्विक्शन कंसिडरेशन किया है हम्म ऑफ द केस द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सबमिटेड और जो डॉक्यूमेंट पे सबमिट किया रहा हाँ ंग द सबमिशन ऑफ द एक उसके बाद जो एक प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ और प्रोसिक्यूशन uh, जो चल रहा है उस तरह से प्रोसिक्यूशन चल रहा है जस्ट कंसिडर डेट देर इज नॉट सफिश ग्राउंड तो जज क्या समझ रहा है अगर जज समझ रहा है मतलब क्या समझ रहा है कि वहां पे कोई सफिशियंट ग्राउंड ही नहीं है जो हम एक को जो ए, आ, रखा है कैद करके रखा है तो उसका वो जो ऑफेंस किया है और उसके ऊपर जो आ, इल्जाम लगा है उसका कोई सफिशियंट ग्राउंड ही नहीं है तो उसको हम लोग क्या वो आ, उसको किस लिए उसको ए, आ, बंद करके रखेगा तो जब उसके अगेंस्ट पे कोई सफिशियंट ग्राउंड सो तब क्या करेगा उसको कर सेक्शन टू ट्वेंटी एट आता है framing in one, इसका बता रहा है इफ आफ्टर सच कॉन्सिडरेशन एंड हियरिंग एज एफोर से जज इज क्या बोल रहा है? रहे हो गया hmm. जब कोई पर्सन उसका कंसिडरेशन हो गया उसका हियरिंग हो गया अभी अभी क्या सामने आया कि वो पर्सन uh, ही है वो ऑफेंस क्या है वो ऑफेंडर है तो अब क्या करेगा उसके अगेंस्ट पे जो चार्ज है उसको फ्रेम किया जाएगा इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ही में फ्रेम ए चार्ज अगेंस्ट द दूसड क्या कर सकेगा वो फ्रेम किया जाएगा इज नॉट एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ ट्राइबल नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा हम्म वो क्या कर सकेगा चार्ज को फ्रेम किया जाएगा के के अगेंस्ट पे बाय ऑर्डर ऑर्डर थ्रू ट्रांसफर द केस फॉर ट्रायल टू द चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ये सीजीएम भी कर सकता है सिर्फ सेशन जज नहीं सीजीएम भी कर सकता है फॉर एनी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी लेकिन ऑफ़ द फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास होना जरूरी है एंड डायरेक्ट द एक्यूज़ टू अपियर बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की केस मे बी द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑन सच डेट ही एज ही डीम्स फीट

इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीज्यूर प्रोसीज्यूर के अकॉर्डेंस फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट बी क्या बता रहा है इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ही शेल फ्रेम इन राइटिंग इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट दूस इसको अब क्या करेगा ट्राइबल करेगा इसके लिए वो फ्रेम तो हो गया अभी तो उसको लिखना पड़ेगा उसको राइटिंग में लिख के उसको चार्ज एक्यूज पार्सन के अगेंस्ट चार्ज में लिखकर फ्रेम कर दिया चार्ज चार्जशीट बन गया किसके थ्रू किसके अगेंस्ट पे एक पार्सन के अगेंस्ट पे और सब क्लोज क्या बता रहा है हुएर द जज फ्रेम्स एनी अंडर अंडरक्लोज बी चर्च कुछ क्लोज में बनाया सब बी के तहत वेर द जज फ्रेम्स एनी चर्च जज ने चर्च बनाया है फ्रेम क्या है अंडर सेक्शन अंडर अंडरक्लोज बी ऑफ सब सबसे वन सेक्शन वन के तहत द शेल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज जब अंडर क्लोस बी सबसेक्शन सब वन के तहत एक चार्ज को बनाया गया है फ्रेम क्या है तो वो चार्ज वो को रीडिंग करना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन भी करना होगा किसके सामने एक्यूज पर्सन के सामने एंड द एक बी वेदर ही प्लेज गिल्टी और फिर से बोलना होगा कि आप आपके गुनाह कबूल करते हैं और क्लेम्स टू टूशन ऑन प्ले ऑफ गिल्टी यहाँ पे क्या है यहाँ पे बता रहा है जे जब सन अपना गुना कबूल कर लेगा इसका प्रोसीज्यूर है इफ द एक्यूज यह सेक्शन टू ट्वेंटी नाइन में ड्यूज करता है इफ द एक गुज पर्सन ने अपना गुना कबूल कर लिया द जज शेल रिकॉर्ड द प्ली ऑफ गी वो जज उसको रिकॉर्ड में रखेगा इन डायरेक्शन convict him thereon.